कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आज है मकर संक्रांति। क्या है? कभी जो मकर संक्रांति है, कभी ये मकर की राशि है, कभी आज का आज से ही ये जो पहले से अभी रात था बड़ी, दिन था छोटा, आज से धीरे 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 दिन बड़ा होती जाएगी और रात छोटी होती जाएगी। इसलिए आज का दिन श्री गंगा सागर में स्नान भी आज है। आज लाख लाख लोग गंगा सागर में स्नान करने के लिए गए होंगे। हैं? कभी ये गंगा सागर कहते ना सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार बोलते है ना, इसलिए इसका मतलब है गंगा सागर में नहाने का बड़ा महत्व है। कौन कौन गए हो? कोई नहीं गए? बड़ों से तो बहुत बहुत एक बार नहीं, ये लोग दो तो अब तक तो मैं एक बार भी नहीं गया मैं, लेकिन ये लोग तो हाँ बड़ों से तीन तीन चार चार बार से पांच बार हो गया ना, हाँ छह बार हो गया और अभी तक हमने एक बार भी नहीं गया। हाँ देखो, इस बार अगर हम लोग उधर प्रचार करने के लिए जा रहे हो सकता तो उस पास में पड़ेगा, हाँ उधर हो सकता हम जाएंगे। कहते ये गंगा सागर के इतने महत्व क्यों है? कारण है कहते ये सागर महाराज जी ये यज्ञ कर रहे थे, ये यज्ञ करते करते नियम है जो अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी कर लेगा उसको स्वर्ग का इंद्र पद मिल जाएगा। अभी उनको 99 यज्ञ पूरी हो गई, अभी 100 यज्ञ उनकी पूरी होने वाले, और इंद्र तो हर्ष में डरते रहते हैं, डरते रहते क्यों? कभी ये इंद्रपद को कोई ले नहीं ले, क्योंकि इंद्र में अथवा ऐश्वर्य है, हाँ वहां पर सचिव उनकी पत्नी है रंभा उर्वशी मेनका, एक से एक सुंदरी वहां स्त्रियां हैं। कभी ये पृथ्वी में जितने स्त्री है इनकी सुंदरता को एक कर लो, ये मिल करके जो एक सुंदरता होगा कहते स्वर्ग में एक अप्सरी इतने सुंदरी स्वर्ग की अप्सरियां है, वहां पर ऐसे कितने अप्सरियां जिनको साथ में इंद्र विहार करता है, अमृत पान करता है, नंदन कानन है, जहां पर फूल कभी मुरझाता नहीं, पारिजात पुष्प वहां पर है, सुधर्मा सभा है, सुधर्मा सभा की विशेषत्व है अगर 100 लोग आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी, 1000 लोग आएंगे तो तभी बैठ जाएंगे एक कुर्सी खाली रहेगी, अगर लाख करोड़ लोग आ जाए ना तभी बैठ जाएंगे लेकिन एक जो कुर्सी है वो एक कुर्सी कभी पूरी नहीं होगी, वो कुर्सी खाली रहेगी। और वहां पर तो सबके सब अमृत पान करते हैं, इसलिए उनको बोला निर्जरा, निर्जरा मतलब कोई बुढ़ापा उनको किसी को नहीं होता, इसलिए उनको कहते हैं देवता, देवता मतलब हर समय देखने में सुंदरता है, कभी कोई बूढ़े नहीं होते, कोई जराजीर्ण नहीं होते, कोई मरते नहीं, इसलिए अमरा नरजरा देवा, इसलिए उनको सब अलग अलग नाम है। कहते यहाँ पर जितने आनंद हमें मिलता है इससे 100 गुना ज्यादा आनंद कहाँ पर है? कहते ये स्वर्ग लोक में है, इसलिए जिसको जितने ज्यादा ऐश्वर्य में रहना उसको उतना ही डर है, क्यों ये पद हमारे छीन नहीं जाए। अभी उन्होंने देखा 100 यज्ञ अगर इसकी पूरी हो जाएगी ना कहते स्वर्ग का इंद्र बन जाएगा, इसलिए इंद्र ने उन्होंने क्या की, इंद्र ने तरह तरह रूप में उनको उन्होंने नष्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उसमें नियम है अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, जैसे अब रामायण देखे ना जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते थे एक घोड़ा छोड़ देते थे, देखा कि नहीं, एक घोड़ा को छोड़ देते थे, अगर घोड़े को अगर अपहरण हो गया बीच में कहते जो यज्ञ है फिर वो यज्ञ पूरी नहीं हो पाएगा वो यज्ञ। इतने में उसी समय में इंद्र ने क्या किया,
वो घोड़े को पहले तो कोशिश किया चोरी करने के लिए, हैं चोरी करने के लिए, लेकिन उसको छुपा करके ले गया और ले करके उन्होंने बांध दिया कपिल मुनि आश्रम के पीछे। सगर महाराज का 1000 पुत्र थे, वो घोड़े को रखवाली कर रहे थे। जब उन्होंने ढूंढते ढूंढते गए, देखा वो घोड़ा बंधा हुआ कपिल मुनि आश्रम के नीचे, और कपिल मुनि भजन में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा ढोंगी बाबा घोड़ा को हमारे चोरी करके ले आया और पीछे बांध करके और चुपचाप बैठ गया भजन करने के लिए, ढोंगी है। उसने बोले मारो मारो पीटो पीटो, एक साथ में सबके सब आक्रमण कर दिए। आक्रमण करते ही लेकिन कपिल मुनि तो सचमुच से भजन कर रहे थे, उन्होंने बड़े क्रोधाग्नि क्रोध से देखा तो सबके सब बच्चे खत्म जल करके राग बन गए। जब राग बन गई, जब सगर महाराज को ये पता चला मेरी 10,000 पुत्र सबके सब कपिल मुनि की अग्नि से क्रोधाग्नि से सबके सब स्वाहा हो गए, तो उन्होंने आकर के चरण पकड़ के रोने लग गए, मेरी गलती हो गई, बच्चों को पता नहीं चला, ये इंद्र ने ये सब गड़बड़ी इंद्र ने की है, हैं इसलिए आप मेरे बच्चों को माफ कर दो। तो देखो इनका तो मृत्यु हो गई ऋषि के अभिशाप से, इसलिए इनकी उद्धार हो सकती है अगर कोई गंगा को ले आए, फिर तो गंगा की स्पर्श से इनकी उद्धार हो सकती है। तो इनके वंश में सागर महाराज ने बहुत उन्होंने गंगा जी की आराधना की। उसी परंपरा में कहते बहुत बड़े बड़े राजा लोग दिलीप आए, अंशुमान आए, ये लोग भी बहुत बहुत उन्होंने साधन की, लेकिन कोई गंगा को खुश नहीं कर पाए। उसी वंश में भगीरथ ने आए, जब भगीरथ को पता चला मेरे पूर्वज लोग और हर समय में हम उद्धार करो हमें मुक्ति नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिन जो लोग सुइसाइड करके मरते हैं ना, विशेषकर ऋषि की क्रोधाग्नि से मले, उनका आत्मा को शांति नहीं मिलती, बड़े अशांत जीवन है, हाहाकार करते रहते, चित्कार करते रहते थे हमें उधार करो हमें उधार करो मुक्ति दिलाओ। इतने में भगीरथ महाराज ने देखा मेरे पूर्वज लोग को दुख कष्ट भोग कर रहे हैं और मैं राज सिंहासन में बैठी करके ये राज भोग कैसे कर सकता हूँ जिसमें हमारे पूर्वज लोग दुखी है, पहले इनको उद्धार करो। तब उन्होंने गंगा जी की उन्होंने आराधना की। जब गंगा जी की आराधना की, इनकी आराधना में माता गंगा जी प्रसन्न हो गई, बोले गंगा देवी की, गंगा देवी संतुष्ट हो गए। इतने में यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया इसको पूर्व में भी तो सगर दिल्ली ये लोगों ने अंशुमान की लोगों ने भी तो तपस्या की गंगा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इनकी तपस्या से कोई प्रसन्न हुए नहीं, लेकिन इनकी तपस्या से प्रसन्न क्यों हो गए? बोले कारण है उन लोगों ने तभी उन्होंने गंगा जी को आराधना करने के लिए गए थे वो रिटायर्ड लाइफ में, जब सारे संसार का सुख भोग को कर चुके थे, हैं सारे सुख भोग हो चुका था, जब वृद्ध हो गए थे तब उन लोगों ने गए तपस्या करने के लिए, लेकिन इसलिए संतुष्ट नहीं कर पाए। कारण क्या? बोले कारण ही उनका मन एकाग्र था नहीं, उनका जो मन ही बीवी बच्चे दुनियादारी में इनके मन ऑलरेडी उसमें चला गया था। इसलिए देखो पढ़ाई कब होता है? बचपन में, बुढ़ापे में पढ़ाई होता है? बुढ़ापे में पढ़ाई होता है नहीं, इसलिए बुढ़ापे में बोलो कोई श्लोक याद कर, याद होगा ही है? याद नहीं होता है, लेकिन जो बचपना है, इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों क्या बोले, तो देखो बच्चों भगवान की भक्ति कब से करनी चाहिए, बोले कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको बचपन से प्रभु की भजन करनी चाहिए, कुमार अवस्था मतलब 5 साल उम्र से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? जैसे मिट्टी जब कच्चा हो ना, कच्चा मिट्टी में आप जो कुछ बनाना बना सकते हो, लेकिन जब मिट्टी पक जाती है तो उसमें कुछ बनती नहीं। कोरे कागज के ऊपर में जब लिखोगे वो तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन कागज के ऊपर एक बार लिख लो, उसको ऊपर लिखने के लिए जाओ, फिर दिखेगा वो तो नहीं, खत्म हो जाएगी। फूल जब खिला हुआ रहता है उसको ठाकुर जी के चरण में समर्पण कर सकते हैं, लेकिन फूल जब सूख जाए पर ठाकुर के चरण में समर्पित होता है क्या? नहीं होता है। बांस जब कच्चा हो, अब देखना जिधर टेढ़ा करना टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन पक जाए ना वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा, हैं?
जैसे एक पौधा, अब छोटा अवस्था में उसको उखाड़ करके उसको कहीं बो दो लग जाएगी, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा नीचे चले जाता है ना, उसको उखाड़ करके बो मर जाएगा। इसलिए कहते जो भगवान की भक्ति बचपन से जो आदत डालो, बचपन से जो आदत डालना, देखना अंतिम समय तक वही आदत ही बना रहती है, वही आदत बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बचपन से उन्होंने क्या की, उन्होंने गंगा देवी की आराधना की। बचपन में मन सरल रहता है, जिस चीज में लगाओ उसी चीज में लग जाता है झट, वो चीज को बच्चे बचपन में क्यों पढ़ाया करते हैं, जो मुझे एक बार सुन लेगा उसको झट वो कैच कर लेता है, है उसको वो कैच कर लेता है। इसलिए उन्होंने बचपन में गए भजन के लिए और मन को एकाग्रत करते हुए, क्यों मन अभी उनकी डिवाइडेड नहीं हुआ, किस चीज में अभी तक उन्होंने दिए ही नहीं है, है? इसलिए वो मन क्या हुआ पूरा एकाग्र रूप में कहां लग गए, गंगा देवी के चरण में, और गंगा देवी उनके एकाग्रता को देख करके संतुष्ट हो गए। तो देखो मैं आ सकता हूं तुम्हारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, लेकिन दो शर्त कमी मेरे पास में। बोले क्या, बोले पहला है जब मैं मरते जगत में जाऊंगी तो जगत में लोग कहते ना चलो गंगा नहा करके पाप धोकर आ जाएंगे, बोलते ना चलो गंगा जाकर स्नान करेंगे और पाप को धो करके आ जाएंगे, सब पापी लोग आएंगे गंगा में नहाएंगे और सारे पाप को छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। अब इनके पाप को लेते 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 मैं तो पापी हो जाऊंगी ना, मैं तो पापी नहीं बन जाऊंगी। फिर दूसरी शर्त है, फिर मैं जब इतनी दूर से जब मैं आऊंगी ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी कमंडल से जब मैं निकलूंगी, मेरी गति इतना तेज होगा, अभी ये तेज को कौन धारण करेगा, ये दो समस्या मेरे पास में। तब उन्होंने बोले तेज को कौन धारण करेगा, तब उन्हें श्री भोले बाबा को शंकर जी की उन्होंने तपस्या की, कठोर तपस्या फिर शंकर जी की, शंकर जी को तपस्या करते हुए फिर शंकर जी को भी उन्होंने संतुष्ट कर दिया। बोले ऐसे ऐसे है माता गंगा आना चाहती है, उनको वेग को कौन धारण, आप थोड़ा धारण करो। शंकर जी तो खुश हो गए, बोले वाह अहो भाग्य चरणामृत ठाकुर जी की, गंगा ठाकुर जी की चरणामृत है। जब ब्रह्मा जी की एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, वहां पर क्या किया ब्रह्मा जी ने, चरणत होकर की वो चरणामृत कमंडल में रखा था, है नहीं तो उनके चरण तो ब्रह्मांड कटाव जो भेद की, वहीं से गंगा देवी वहीं से प्रकट हुई। बोले तो मेरे अहोभाग्य है भगवान की चरणामृत को धारण करेंगे, वे तो अहोभाग्य है वो प्रसन्न हो गए, ठीक है गंगा को मैं धारण कर लूंगी। बोले दूसरी समस्या क्या है, लोग आकर के पाप लोग स्नान करेंगे, पापी लोग कहते थे पाप फिर खोल लेगा। बोले जैसे पापी लोग स्नान करेंगे मरते जगत में संत लोग भी हो, वैष्णव लोग भक्त लोग भी तो गंगा में नहाएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गंगा र पर सहले पश्चाते पावन दर्शनी पवित्र कर हे तो मार्गो न। इसलिए कहते जो संत लोग है तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी, संत लोग की इतने महिमा वैष्णवों का, जब वैष्णव का चरण केवल गंगा पानी में स्पर्श करे, स्पर्श करते ही गंगा के जितने पाप है ये क्या करते हैं सारे पाप ग्रहण कर लेते हैं, सारे पाप को, क्यों उनके हृदय में भगवान की निवास है, हृदय में ठाकुर का निवास, निवास होने का नाते इतने शक्ति इनके अंदर में, गंगा भी जिनकी चरण स्पर्श पा करके धन्य धन्य मानती है, इतने गंगा के इतने महत्व। इसलिए प्रभुपाद हमारे जो गुरु जी के गुरु जी एक समय कहीं गंगा में कहीं गए थे, जब गए तीन चार सीढ़ी के ऊपर खड़े थे, सीढ़ी थे इतने में पानी अपने आप उफरने लग गई, अपने आप पानी उफरने लग गया, वहां पर भक्त उनके उनके शिष्य लोगों ने देखा उफरते 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 में तो आए और प्रभुपाद के चरणों का स्पर्श करके धीरे 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 गंगा में नीचे उतर कर चले गए। भक्त लोगों ने देखा साक्षात रूप, क्योंकि ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी प्रभुपाद, इतने महत्व एक वैष्णव का स्नान करना की इतने महत्व है गंगा की। इसलिए बोले भैया वैष्णव लोग भी तो स्नान करेंगे, जैसे पापी नहाएंगे वैष्णव लोग भी नहाएंगे, इसको द्वारा वैष्णव लोग क्या करेंगे समस्त पाप को
उन्होंने ग्रहण कर लेंगे। इतने में जब गंगा को पता चला कौन धारण करेगा, ये गंगा को कौन धारण करेगा, शंकर जी। गंगा तो बोले मेरे बेग को शंकर जी धारण करेंगे, गंगा में नहाए हो, कितने बड़ी गंगा आपने देखा, कभी गंगोत्री गए हो, लेकिन असली गंगोत्री में नहीं गए हो, गोमुखी नहीं गए, गोमुख नहीं गए होंगे, 14 किलोमीटर पहले जाते हैं, वहां से फिर 14 किलोमीटर, वहां से फिर 20 किलोमीटर से आप पैदल पैदल हैं, जहाँ पर जाकर के साधारण लोग स्नान करते हैं, वहां से फिर कितना कितना 17-20 किलोमीटर वहां से आगे चल चल कर जाना पड़ेगा, वहां पर जाने का कोई साधन नहीं। फिर उनको जांच होता है, ऑक्सीजन की जांच होता है, सबको वहां जाने नहीं देते, क्यों, ऑक्सीजन की कमी है। साधारण लोग जहाँ जाते हैं वो साधारण गंगा, हम भी गए वहां पर, वहां तक गए नहीं, जहाँ तक सब लोग जाते हैं वहीं पर स्नान करके हम लोग आ गए। उसको ऊपर में तो वहां गंगा जैसे गोमुख से ना तेजी से गंगा निकलती है, जब वहां से आई तो तेजी से आई, यहाँ से भी देखोगे ना इतने तेजी से गंगा की धार, जहां पर जैसे गोमुखी जैसे एकदम बड़ा मोटा रूप में धारण करके वो गिरता है गोमुखी से। इसलिए बोले मेरे तेज को धारण करेगा शंकर जी, शंकर जी बोले मैं धारण करूंगा, बोले सावधान संभाल कर देखो, सावधान होकर, नहीं तो मैं एकदम पाताल में ले जाऊंगी। गंगा अपना प्रखर तेज को साथ में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी कमंडल से गंगा निकली, शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, हैं त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, बोले जितने ताकत सब सारे ताकत लगा दो। इतने में गंगा जब वहां आई आगे गिरी ना, शंकर जी कौन है, देवदेव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम शंकर जी, शंकर जी भगवान की परम भक्त संत है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी। उन्होंने जटा को उन्होंने ऐसे फैलाया ना, गंगा तो आई लेकिन जटा में ही समा गई, बोले भोले बाबा की जय, एकदम जटा में समा गई गंगा, वहीं पर घूमती रह गई है, वहीं पर घूमती रह गई गंगा। इतने में भगीरथ ने देखा गंगा मैया तो आई, देवी तो आई है, लेकिन कहाँ चली गई, कहाँ चली गई गंगा। इतने में देखा गंगा तो शंकर जी की जटा में ही गंगा समा गई, समा गई। तो इतने में भगीरथ फिर शंकर जी को प्रार्थना किया, बोले प्रभु मेरे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए मैंने ये गंगा फैलाया, आप कृपा करके थोड़ा दे दो। बोले भगवान की चरणा में देने का थोड़ी लाई है, उसको तो जटा में धारण करनी चाहिए, इसलिए शंकर जी जटा में गंगा है ना, गंगा है। फिर शंकर जी उन्होंने किया कि थोड़ी सी, बोले पूरा तो दूंगा ही नहीं, भगवान की चरणा में है, जैसे आप लेते ना चरणामृत लेकर सर पर लगाते हैं, इसलिए चरणामृत है, इसलिए गंगा तो पूरा दूंगा नहीं, थोड़ी सी दूंगा। इसलिए शंकर जी थोड़ी सी उन्होंने जटा से निकाल दिया, जब निकाल दिए फिर श्री भगीरथ ने फिर शंख ध्वनि करते करते हैं, शंख ध्वनि करते करते आगे चल रहे थे, रथ के ऊपर चल रहे थे, और माता गंगा जी धीरे 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 उनको पीछे 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 माता गंगा जी धीरे 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 चलते रहे थे। चलते चलते फिर जब नवद्वीप धाम में आए, अब तो लोग नवद्वीप धाम में गए हो, अब देखना गंगा के नवद्वीप धाम क्या है, राधा जी के हृदय से। पहले मैंने कथा सुनाई ना, पहले सबरे सुनाया ना, नवद्वीप धाम क्या है बोलो, राधा जी की हृदय से कृष्ण सेवा के लिए नौ तो उन्होंने कुंज बनाए, ये नवद्वीप नौ कुंज विशिष्ट है नवद्वीप धाम। इसलिए महाप्रभु वहां पर जन्म ग्रहण करेंगे, एक दिन महाप्रभु जब गंगा पानी में स्नान करेंगे, इसलिए ये यमुना है ना, अब देखना दूसरे जगह से पूरा सीधा से आ रही है, लेकिन जब ये नवद्वीप धाम में आई है, ये नवद्वीप धाम को छोड़ना नहीं चाहती। वृंदावन में देखना ये यमुना है ना, वृंदावन को चारों तरफ में घेर करके रही टेढ़ी मेढ़ी होकर, उसी तरह गंगा नवद्वीप में आकर के वहां पर जाना नहीं चाहती, पूरा नवद्वीप धाम में घूम रही है, है क्योंकि महाप्रभु वहां पर आएंगे, महाप्रभु लीला करेंगे, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वहीं पर गंगा वहीं पर टेढ़ी मेढ़ी होकर वहीं प्रवाहित हो रही है। इसलिए वहां पर हम परिक्रमा में जाते हैं, परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा कौन बन गए हो, हम जाते ना जन्मद्वीप जाते हैं, जन्मद्वीप वहीं पर जन्म मुनि तपस्या कर रहे थे, जब तपस्या कर रहे थे और जन्म मुनि का आश्रम था, उनका पंचपात्र आसन था,
इधर में क्या हुआ, वो गंगा देवी आई और उधर पूरा पूरा बहादेव ये सबके सब बहादुर के ले जा रहे। इतने में जन्मून की नींद नित्र खुल गई, तपस्या कर रही थी, देखा पतित भावनी गंगा देवी जा रही। बस उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा गंगा को उन्होंने पूरा पान कर लिया, आचमन को द्वारा पूरा गंगा पान कर लिया। भगीरथ देखा गंगा तो यहाँ तक आई, इसको बाद में फिर गंगा आई नहीं रही है, गंगा गई कहाँ। देखा गंगा तो आ रही है जन्म मुनि के आश्रम तक, लेकिन उसको आगे और गंगा देवी नहीं आ रही है। फिर उन्होंने जन्म मुनि को प्रार्थना की, प्रभु मैंने पूर्वजों को उधार के लिए गंगा लाई हूँ, इसलिए आप कृपा करके गंगा को छोड़ दो। फिर उन्होंने सबको पूरा तो पान कर लिया। फिर उन्होंने अपना जानू को, जानू समझते कि नहीं, अपना जांघ को उन्होंने थोड़ी सी जांघ को फाड़ करके फिर गंगा को पूरा पूरा अंदर में ले लिया था, पान कर लिया था। फिर उनको जानू से जंग से गंगा निकली, इसलिए गंगा की और एक नाम हो गई जाह्नवी, क्योंकि इनकी बेटी बन गई, बोले जाह्नवी देवी की। फिर गंगा को भगीरथ लेते 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 कहां तक चले गए, गंगा सागर, जहां पर अब लोग स्नान करने के लिए गए। कितने हजार साल पहले कपिल मुनि की अभिशाप से क्या हो गया था, पूरा के पूरा मन जल करके राख हो गए, कुछ भी नहीं था वहां पर, राख मिट्टी पिट्टी कुछ भी नहीं थी। लेकिन गंगा की इतने महिमा है, जब गंगा केवल उसको ऊपर में बहते हुए केवल जब गंगा चली गई ना, सारे पूर्वजों को उधार हो गया, सारे पूर्वजों को मुक्ति मिल गई, सबके सब उधार हो गए। मतलब गंगा इसलिए कहते ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, मतलब गंगा सागर में एक बार अगर कोई स्नान किया तो क्या होता है, अगर इतने सालों से जो सबके सब तड़प रहे थे, दुखी हो रहे थे सबके सब, हैं, अगर इनको उद्धार हो सकता है, अगर कोई जिंदा अगर जाकर के स्नान किया तो उद्धार नहीं होगा। इसलिए आप लोग जिन लोगों ने गंगा सागर गए और धन्यवाद है आप लोगों को, आप लोग गंगा सागर में जाकर के आप लोग ने स्नान किया है, हैं, स्नान किया है। इसलिए आज क्या दिन, मकर संक्रांति है, इसलिए आज के दिन तो लाख लाख लोग है वहां पर स्नान करते हैं। नियम है स्नान करने का बाद फिर वहां पर साधु संत होते हैं, उनको दान दक्षिणा आज देने का बड़ा महत्व है, आज दान दक्षिणा संतों को देने का बड़ा महत्व है। हमारे मथुरा मठ में तो इतने वहां पर आता है खिचड़ी, है दाल चावल मिलकर खिचड़ी फल और वहां पर और क्या क्या सब साल और सबके सब जा करके दे जाते। आज भी बड़ौद के भक्त लोग बहुत कुछ दे कर गए, सवेरे से यहाँ पर भक्त लोग सबके सब दान दक्षिणा करके गए। रमन तिवारी प्रभु भी आज संतों को कुछ कुछ उन्होंने जैकेट दी, मतलब हम चाहते हैं संतों का कुछ जैकेट दे, इसलिए उन्होंने लेकर के भक्तों को दिए है। इसलिए आज का दिन बड़े पवित्र दिन है, आज मकर संक्रांति, और आज का दिन ही एक विशेष चीज है, वो गंगा पानी है ना भरा रहती है, लेकिन आज की ही विशेष दिन है भगवान कपिल देव ने माता देवती को उन्होंने जो ज्ञान देकर गए थे, दिव्य ज्ञान उन्होंने जो प्रदान किया, बोले माँ ये मन को अगर संसार चक्र से निकालना चाहते हो, ये केवल ये मन को क्या करो, मनमोहन में लगा लो, ये मुक्ति का कारण केवल मनमोहन में लगाने पर, ये मन को विषय में लगाने पर बंधन का कारण है, और अगर भगवान के चरण में लगाना चाहते तो सबसे सरल उपाय है, क्या सबसे सरल उपाय है, संतों के संग कर, संतों के संग से ही जीव का कल्याण होने वाले, और भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, बोले अहोगत सपोच अतो गरीबान, तो चंडाल क्यों नहीं हो, जिसकी जिह्वा के अग्र में भगवान का नाम उच्चारण होता है, माँ समझना पूर्व जन्म में उसने सारे धर्म कर्म तपस्या दान पुण्य पूर्व जन्म में सब कुछ करके आया है, तभी इसी जीवन में उसकी जिह्वा के अग्र में ठाकुर जी की नाम उच्चारण होता है। माता जी को उन्होंने बड़ी दिव्य ज्ञान आज उन्होंने प्रदान किया है, आज का दिन उन्होंने प्रदान करके उन्होंने मैया को दिव्य ज्ञान प्रदान की, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उनकी माता जी का हृदय की बंधन खुल गई, माया की बंधन, और आज का दिन ज्ञान देकर उन्होंने कहां चले गए, गंगा सागर में, और साल में एक बार आज का दिन वो पानी धीरे 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 ना भरा रहता है, आज वो पानी धीरे 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 नीचे अपने आप उतर आती है,
और आज दिन साल में एक बार श्री कपिल भगवान का दर्शन आज का दिन होता है। बोले श्री कपिल भगवान की जय, बोले गंगा सागर की जय। आज है हमारे संप्रदाय में आज एक संतों का आज तिथि है। क्या नाम है? जगदीश पंडित जी का आज क्या है? आज इनकी त्रिभाव तिथि है। आज के दिन उन्होंने ये संसार छोड़ कर गए थे। कभी जगदीश पंडित कभी कृष्ण लीला में कौन थे? बल अपरिचय पत्नौ श्री जगदीश हिरण्याकौ एकादश्याम जयवर्णम पार्थयित्वा अकसत प्रभु। कभी गौर गणेश दीपिका में बताया कभी ये जो जगदीश पंडित है कहते पूर्व जन्म में कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण जैसे गोचारण करते 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 एक ब्रज में भात रो जहाँ पर उन्होंने यज्ञ पत्नियों से भात मांगे थे हैं, उन्होंने भोजन के लिए मांगे थे। जब कृष्ण सखाओं के साथ में गोचारण करते करते गए सखा कन्या आज पेट में चूहे कुदरे भूख लग रहा है कुछ भोजन का व्यवस्था करो। बोले चिंता मत करो जाओ पास में यहाँ पर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग मथुरा में यज्ञ कर रहे हैं उनसे तुम लोग अन्न मांग कर भात मांग कर ले आओ अन्न मांग कर ले आओ। जब उन्होंने गए बोले पास में कृष्ण बलराम आए ही आपके लिए उन्होंने अन्न की प्रार्थना कर रहे लेकिन वो सुनते हुए भी उन्होंने सुना ही नहीं। वापस आ गए बोले कन्हैया तेरे नाम बलदेव प्रभु का नाम लिए लेकिन सुनकर तो अनसुना कर दी। बोले एक काम करो उनकी पत्नियों के पास में जाओ वो मेरे परम भक्त है। बोले इतने बड़े बड़े द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी इतने बड़े बड़े ब्राह्मण जब तुम्हारे तत्व को नहीं समझे और ये स्त्रियां जो अपवित्र रहने वाली जिनकी यज्ञ सूत्र की उपाय नहीं होती वो क्या तुम्हारी भक्ति समझेंगे हैं जिनका वेद में अधिकार नहीं। बोले देखो जो भक्ति है ना ये पांडित्य को ऊपर में भक्ति का निर्भर नहीं करता है भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। इसलिए उनकी जो पत्नियां मेरी परम भक्त है एक बार जाकर देखो देखो जो भिक्षा मांगने जाते हैं ना हर घर में भिक्षा नहीं मिलती है कोई गाली देता है कोई गाली गलौज करता है कोई आदर देते हैं। इसलिए कोई चिंता मत करो भिक्षा मांगने वालों को इतने निराश नहीं होनी चाहिए। सचमुच से जब गए ना उन लोगों ने यज्ञ के लिए लड्डू मालपुआ कचौड़ी ये बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर रखे थे यज्ञ के लिए लेकिन जब यहाँ के जब ब्राह्मण बालक कृष्ण के सखा लोग गए और जाकर जो बोले ये पास में कृष्ण बलराम आए हुए हैं गैया चराते चराते वो भूखे हैं आपको पास में उन्होंने अन्न की याचना की सुन करके ना इतने प्रसन्न हो गए कृष्ण बलराम परम भक्त थे कृष्ण के परम भक्त थे इतना सुनते बोले कृष्ण बलराम यहाँ पर आए पास में ही गैया चराते चराते बोले हाँ तुम्हारे घर को पास में आए वो भूखे हैं वो जितने लड्डू कचौड़ी बनाते हैं ना सब ले लेकर भगे कृष्ण बलराम को जैसे नदी जैसे समुद्र के तरफ में भक्ति है ऐसे ही लेके चले। किसने जाकर के जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण को बोले तो तुम लोग यहाँ सुहा सुहा करते हो तुम्हारी जो पत्नियां है ना घर में जितने पकवान बनाया था सब कुछ लेकर के कृष्ण को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं सुनते ही चोटी खड़े करके भागे चोटी खड़े करके वहां से दौड़े ले कहा जा रहे हो खबरदार घर से निकले बंदे प्राण तोड़ देंगे घर से निकला हो तो हम ये सब के सब सब यज्ञ के लिए बनाए और कृष्ण के लिए ले जा रहे हो खबरदार घर से निकलना नहीं है। इतने में तब उन लोगों ने बोले तुम्हारे घर में और आएंगे नहीं हम आएंगे तो ठाकुर के चरण पे रहेंगे वहां से और हम वापस नहीं आएंगे तुम्हारे घर में नहीं आएंगे है। बोले खबरदार घर में घुसने नहीं देंगे बोले जरूरत नहीं तुम्हारे घर में हम तो कृष्ण के शरण में रहेंगे। जब उन लोगों ने आए ना भगवान को बड़े स्वागत किया बोले स्वागत में महाभागा ये स्वागत शब्द कृष्ण दो बार कबूल किया है एक बार ब्रज गोपियों को किया एक बार उन्होंने यज्ञ पत्नी को उन्होंने किया। बोले क्यों बोले जगत में तुम लोग सबसे बड़े भाग्यवान हो हैं स्वागत में महाभागा क्यों पति बच्चों ने मना करने पर भी तुम लोग मेरे लिए पकवान लेकर के आए हो हैं पकवान लेकर के आए हो इसलिए तुम लोग जगत में सबसे बड़े भाग्यवान तुम लोग हो। इसलिए भगवान उनको स्वागत की
भगवान को सुंदर सुंदर उन्हें पकवान खिलाए, खिला करके कृष्ण ने कहा जाओ अभी घर में वापस चले जाओ। बोले हम तो पतियों के साथ में लड़ाई झगड़ा करके आए, हमने बोल दिया, हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे, हमने जोर करके हम लोगों ने आए और हम ये भी बोल करके आए तुम्हारे घर में और हम आएंगे नहीं, हैं तुम्हारी और मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, ठाकुर का चरण में रहेंगे। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अभी वापस जाओगे ना, तुम्हारे जो पति लोग तुम्हारे चरण की पूजा करेंगे, तुम अपमानना नहीं करेंगे, पूजा करेंगे। सचमुच से ये स्त्रियां जो वापस गई ना, जो ब्राह्मण लोग थे, चरण की पूजा की, क्योंकि जिसको घर में ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं ना, उसको घर सबके सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में उन लोगों ने अपने आप को धिकार दिया, हम त्रिवेदी चतुर्वेदी चार वेद तीन वेद को जानने वाले, लेकिन शास्त्र का तात्पर्य क्या है, सारे शास्त्र क्या बोलता है, भगवान के चरण में प्रेम होनी चाहिए। कितना वेद पढ़े पढ़े मुआ भय, पोथी पढ़े पढ़े मुआ भय भय, बढ़ना पंडित कोई ढाई अक्षर प्रेम से पढ़ा सो पंडित सोई। ये ढाई अक्षर प्रेम जो पढ़ लिया ना जगत में सबसे बड़ा पंडित वही है, हैं? इसलिए तुम लोग ने सचमुच से ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ लिया, समस्त शास्त्र की बात कहता है भगवान के चरण में प्रेम हो, ठाकुर के चरण में प्रेम हो। अगर सारे शास्त्र ग्रंथ तुमने पढ़ लिया लेकिन तुम भगवान के चरण में ही तुम्हारे प्रेम नहीं हुआ है, यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान कहते यज्ञ के अधिष्ठात्र देवता कौन है, बोले भगवान श्री हरि है, यज्ञ का मूल भगवान हरि है, लेकिन हम साक्षात यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ का फल ही यज्ञ स्वयं यज्ञ पुरुष रूप में भगवान स्वयं नारायण स्वयं हमसे प्रार्थना की भोजन के लिए, लेकिन हम अग्नि कुंड में सुहा सुहा करते रहे और साक्षात जो भगवान है उनको ही भोजन हमने नहीं दिया। हमारे जीवन को अधिकार है, हमारे ब्राह्मण जन्म को अधिकार, सब अधिकार अधिकार देने लगते। जब पत्नी आई ना चरण की पूजा की, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, हमारा जीवन दुर्भाग्य है, भगवान स्वयं आए, हम यज्ञ कुंड में सुहा करते रहे, लेकिन यज्ञ पुरुष भगवान मांगे उनके लिए मना किया, हमारे जीवन अधिकार, उनके चरण की पूजा की, बड़े आदर की, उनको बड़े आदर की। इसलिए कहते वही वही है जो यज्ञ पत्नियां जो कृष्ण को उन्होंने खिलाए थे, वही कलयुग में जब आए, कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सावतरी। भगवान जब इस जगत में आते अकेले नहीं आते, पूरा पूरा धाम और परिक्रम को लेकर के ठाकुर जी आते हैं, इसलिए उन्होंने जब आए वो जो यज्ञ पत्नियां उनको जो भजन कराई थी, वही कौन बन करके आए कि जगदीश और हिरण है, जगदीश और हिरण पंडित बन करके आए। और एकादशी का दिन ये लोग नियम है, एकादशी का दिन क्या नियम है, एकादशी हम पहले सुन रहे थे ना, एकादशी का दिन एकादशी हम लोग कर रहे हैं, एकादशी ठाकुर के लिए नहीं है। उस दिन ठाकुर के लिए रोटी पराठा सब्जी जैसे बढ़िया बढ़िया होता है ना, बल्कि उस दिन और बढ़िया बढ़िया ठाकुर को बनाकर खिलानी चाहिए, जो चीज हम नहीं खा पाते, क्यों, कारण है भगवान के लिए एकादशी नहीं, वो तो ठाकुर के लिए एकादशी, ठाकुर एकादशी हम लोग के लिए, हमारा लिए तो जो कुछ बनाओ लेकिन ठाकुर के लिए अलग बढ़िया बढ़िया चीज बनाओ। इसलिए वो घर में बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने भगवान बनाए थे। एक दिन श्री महाप्रभु जो बच्चे थे कभी कभी रोते थे, देखना बच्चे जैसे रोते है ना, और पिता माता कभी कभी समझाते हैं, क्या समझाते बच्चों को, रोना नहीं रोना नहीं, लेकिन महाप्रभु का रोना कब बंद होता था, जब स्त्रियां मिल करके ताली बजा करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।
होता है कीर्तन करते थे ताली बजा करके महाप्रभु का कीर्तन बंद होता था। बोले क्यों? जब बोलते थे क्यों कीर्तन करने पर क्यों बंद होता, इसका रहस्य समझो। कर देखो सब रो रहे, बताओ संसार में कौन नहीं रो रहे? कोई तन से रो रहे, कोई मन से रो रहे, कोई धन से रो रहे, कोई परिवार से रो रहे, कोई पुत्र पौत्र से, संसार में हम सब रो ही रही संसार में। कहते भैया ये रोना कब बंद होगी तुम्हारी? ये रोना तभी बंद होगा जब हरि का नाम करोगे, जब हरि का कीर्तन करोगे ना। इसलिए कहते ना संसार दावा नीडलो को, संसार का जितने दुख कष्ट कभी खत्म हो जाएगी। कब? बोले परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, हरि कीर्तन से ही जीव की समस्त दुख कष्ट हरि कीर्तन से खत्म होगा, केवल हरि कीर्तन से। दुनिया में और कोई उपाय नहीं जो संसार की रोना जिसमें बंद हो सके, केवल हरि कीर्तन से ही संसार की रोना हमारी खत्म होने वाली। इसलिए जब सब ताली बजाते थे कीर्तन करते थे ना, तो महापुरुष का रोना अपने आप चुप हो जाता, रोना अपने आप बंद हो जाती थी। हैं? एक दिन हरि कीर्तन कर रहे हैं लेकिन उनको रोना ही बंद नहीं हो रहा, जितना कीर्तन करो और जोर जोर से रोए। इतने में जो स्त्रियां आती, बोले निमाई, महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई। बोले निमाई फिर क्यों रो रहे हो, सबके सब तो कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु कहते देखो तभी मेरे प्राण बचेगा कि हिरण्य जगदीशी जो भक्त मेरे, आज एकादशी है, एकादशी का दिन वो लोग अपना घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रहे, वहां से ला करके मेरे को दो तभी मेरे प्राण बचेगा, नहीं तो मैं रोना बंद नहीं करूंगा। बोले भैया ये निमाई को, इतना छोटा बच्चा, इसको कैसे पता चला वो दोनों को घर में आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे, उनको कैसे पता चला? उनने सचमुच से जब उन्होंने उनको घर में गए ना, देखा सचमुच से बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना हुआ था। उन्होंने जाकर के बोले, बोले हमारे निमाई रो रहा है, हैं निमाई रो रहा है, कहते आपका घर में आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान क्या बना है? कहते वो ला करके दोगे तो मेरे प्राण बचूगा। लेकिन वो कौन थे दोनों? यज्ञ पत्नी। वो दोनों क्या थे? यज्ञ पत्नी थे। हैं जैसे जाकर के यज्ञ पत्नियों को जब बोले कृष्ण के सखा लोग ने क्या किया, वो लेकर के कृष्ण के लिए सब कुछ लड्डू कचौड़ी मालपुआ ला कर कृष्ण को खिलाए, ये जन्म जन्मांतर में भक्त है। जब उनको जाकर बोले, बोले छोटे बच्चे को पता कैसे चला हमारे घर में इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है? जरूर ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। उन लोगों ने प्रसन्न होकर के सबके सब उन्होंने प्रसन्न होकर उनको भोजन दिया है। कभी यही, और इनको ऊपर में जब ये जगन्नाथपुरी गए थे, हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाते थे महाप्रभु को दर्शन के लिए, जब जगन्नाथपुरी गए थे उस समय में ये जब वापस आ रहे थे ना, महा जगन्नाथ जी को दर्शन करते इतने विरह, उनकी इतने विरह व्यथा हुई है, इतने दुखी हुए। उसी समय में जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न दिया, बोले इनको जैसे नवकलेवर होता है ना 13 साल के बाद में, कभी 18 साल के बाद में जगन्नाथ जी का विग्रह पूरा पूरा बदलता है, पूरा नया जगन्नाथ जी को स्थापन करते हैं नए जगन्नाथ जी। तब जगन्नाथ जी स्वयं बोले मेरे जो पुराना जो विग्रह है इनको दे दो, ये लेकर के जाएंगे, ये लेकर चले जाएंगे। लेकिन रथ यात्रा देखे हो? देखे थे, गए नहीं रथ यात्रा में, हाँ टीवी में देखे होंगे, इतने विशाल जगन्नाथ जी की जगन्नाथ विग्रह यहाँ से लेकर वहां तक विग्रह है, इतने बड़े बड़े, इसलिए इनका नाम बड़ा ठाकुर, पृथ्वी में सबसे बड़े ठाकुर है। अब देखे होंगे जब जगन्नाथ जी को लाते हैं ना रथ के ऊपर, देखे कि नहीं, इतने जैसे चिट्ठिया जैसे लगी हुई रहती ना, देखना चिट्ठिया जैसे चारी तरफ लगे हुए थे, और इतने मोटे मोटे पंडे लोग, क्या मसल उनकी, इतने बड़े बड़े शरीर, आप देखे होंगे चिट्ठी जैसे चारी तरफ में घिरे हुए रहते ना, इसे चिट्ठिया जैसे, कोई हाथ को पकड़े, कोई पैर को पकड़े, कोई शरीर लगाए उनको ले जाना इतने आसानी नहीं, इतने विक्रम, इतने भोजन विग्रह जगन्नाथ जी, इतने बलदेव प्रभु का भी इतने भोजन विग्रह है। बोले इतने बड़े भैया कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाएंगे? बोले ठाकुर जी बोले देखो कोई चिंता मत करो, मैं 16:1 होता है, बहुत हल्का है, मैं एकदम हल्का बन जाऊंगा, मेरे को कंधे पर ये ले जा सकते हैं। तो उनको कंधे पर उन्होंने एक डंडे को रख करके दो दो तरफ में
हिरण्य जगत से दो तरफ में लगे और उनको लटका करके एकदम हल्का हो गए, उनको लेकर के आए। जब आए एक स्थान है चक्रदाह, अभी उसका नाम चाक दाह है, वहीं पर आकर इस बार हम लोग गए वहां पर, वहीं पर आगे ना ठाकुर जी रुक गए और वहीं पर क्या उसको स्नान के लिए कुछ करने के लिए गए, बस आकर उतर ठाकुर प्रश्न बट नहीं हो समझ गए वो यहीं पर रहना चाहते हैं, पर ठाकुर जी को वहीं पर उन्होंने रख दिया। कहते यहाँ पर कहते हैं भैया उन्होंने वहीं पर क्यों रह गए, इसका कारण क्या है? बोले कारण उसका कहते हैं जो वहां पर है कि जिस समय भगीरथ ने जब उन्होंने अपना वंशज को उधार करने के लिए लाए थे, जैसे भगीरथ जैसे रथ ऊपर बैठ के जा रहे थे ना, वहीं आकर आकर जो चक्र है वहीं पर धस गया था है? उसी स्थान पर आकर चक्र उनकी पहिया धस गई थी, इसलिए कहते चक्र रथ चक्र उसका धस गया था, इसलिए इसका नाम चक्र दह था। उसका नाम चक्र चक्र दह मतलब घुस जाना, वो चक्र दह था। और वहीं पर कहते प्रद्युम्न ने संभरासुर, आपको बताओ वो संभरासुर को प्रद्युम्न ने वध किया था है? कहते वही स्थान है जहां पर उन्होंने प्रद्युम्न ने संभरासुर को जहां पर उन्होंने वध किया वो पवित्र स्थान है, इसलिए वहीं पर आकर के ठाकुर जी रहे और वहीं पर जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है, हजार हजार लोग वहां पर रथ यात्रा में ठाकुर का दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत बहुत इनकी सुंदर सुंदर लीला है। अभी वहां पर हमारी कौड़िया मठ भी स्थापन किया गया है और वहां पर और बहुत बहुत सारे हमारे भजनानंदी लोग वहां पर भजन किया, इसलिए इसी दृष्टिकोण से जो आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, संतों का जन्मतिथि, गंगा स्वयं पतित पावन गंगा स्वयं कृपा करके उन्होंने उद्धार किया है सब लोगों को, उद्धार करके हजार हजार लोग आज वृंदावन में भी देखना बहुत लोग जाकर के स्नान करते हैं है, जाकर के यमुना में स्नान करते हैं, जहाँ पर गंगा नजदीक हो सबके सब जाकर गंगा में आज नहाते हैं, लेकिन आज हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारे राधा रमण प्रभु जब गए थे कहा गंगा सागर वहां से पानी लेकर के आए, इसलिए पानी लाए अब लोग थोड़ी थोड़ी सी अपना सर पर छिटका मार देना, इससे ही हमारे क्या हो जाएगा गंगा सागर में स्नान हो जाएगा। और हम लोग सबसे बड़े गंगा स्नान कर रहे हैं कि क्या कथारूपी गंगा, कहते वो गंगा में स्नान करने से केवल ऊपर से थोड़ा पाप नष्ट होता है, लेकिन जो कथारूपी गंगा में नहाते हैं शास्त्र कहता है उससे भी करोड़ गुण ज्यादा लाभ है जो कथारूपी गंगा में जो नहाते हैं, इसलिए आज हम कथारूपी गंगा में स्नान करेंगे उससे श्रेष्ठ है। इसलिए श्री हमारे भागवत कहता है जिसे गंगा में स्नान किया, हमारे देश में क्या होता है तो एक महीना तक हमारे उधर तो माछ मछली खाते हैं उड़ीसा में, एक महीना तक जाएंगे सारे तीर्थ घूम करके आ जाएंगे, बोले हम तो सब उधार हो गए पाप से, एक महीना घूम घाम करके आएंगे और उधर तो माछ मछली खाते हैं उधर, और बोले बड़े दिन से माछ मछली नहीं खाए, एक कबल साग सब्जी खा कर मुंह खराब हो गया, आज बढ़िया मुर्गा ले आओ बकरी ले आओ माछ ले आओ आज बढ़िया करके रोसी बना कर खाएगा बस हमारे। इसलिए भागवत में ये जो गंगा स्नान को बताया इसमें क्या है थोड़ी सा उदाहरण देकर बताए, देखना एक उदाहरण दिया, जैसे देखना बरसात के समय में जो बड़े बड़े मक्खी होते हैं वो गैया को बैठ जाते काटते रहते हैं, वो गैया उससे बचने के लिए पानी में उतर जाती है, जब पानी में उतरती है जितना शरीर पानी में डूबती है ना वो मक्खी उतना ऊपर उठती है, उठते उठते जब टांग डूब जाती है पेट में बैठ जाते, पेट डूब जाते तो पीठ पर बैठ जाते, अब पीठ पर डूब जाते ना उसका सर पर बैठ जाते, जब सर डूब जाती है वो ऊपर से भन 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 करके बढ़ाते रहते, फिर जब गैया ऊपर उठते ना फिर झट कर बैठ जाते। यदि ये गंगा में नहाने से क्या होता है केवल ऊपर से थोड़ी सा पाप तो खत्म हो गई, लेकिन गंगा पानी से जब उठी है ना फिर सारे पाप बैठ गए, फिर सारे पाप बैठ गए। इसलिए जब गांव घर इसलिए उसको बताया कुंजर शौचबर, जैसे हाथी को जैसे अच्छे तरह से तालाब में मल मल करके स्नान कराओ, देखना हाथी का स्वभाव है जब पानी से उठेगा देखेगा यहाँ पर कहाँ कीचड़ है धूल कहाँ पर है, वो सूट में लेकर ना फर करके सारा शरीर उड़ाएगा, फिर जाकर के क्या करेगा फिर जाएगा, उसको स्वभाव है।
बेनू गुल मगर बांस जैसे होता है ना, बांस जंगलों को काट दो हैं, काट क्या लगा हमने काट दिया खत्म हो गया, फिर जब बरसात होगा ना जितने बांस का वृक्ष था उससे डबल बनकर फिर निकलता है। कहते तो उसी तरह तीर्थ में नहाने से क्या होता है, थोड़ी समय तक तो पाप जाती है, फिर उसके बाद में जैसे तैसे फिर पाप कर्म को दो बार करना शुरू कर देता है, बेकार हो गया। हाथी का स्नान जैसे जैसे जंगल काटा वैसे ही हो गया, फिर पाप की वृत्ति तुम्हारी कहां जाएगी। लेकिन ये पाप की वृत्ति खत्म कब होगी, साधु संग से। इसलिए कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दन्न कल्प तरु हरे पाप तापम तथा पुण्यम हरे तत् समागम। कहते गंगा क्या करती है, बोले पाप दूर करती है, चंद्रमा ताप दूर करते हैं, बोले दुख दापो बोले कहते कल्प वृक्ष दुख दूर करते हैं। लेकिन साधु संग में ये तीनों ही साधु संग से दूर हो जाते हैं, तीनों ही साधु संग से दूर हो जाते हैं। इसलिए कथा रूपी गंगा में नहाने का सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सारे तीर्थ कहाँ पर, तीर्थ कहाँ पर है, बोले जहाँ हरि कथा वहीं पर सारा तीर्थ है। जो कथा रूपी गंगा में नहा लिया तो सारे तीर्थ में बैठे बैठे करे बोले सर्वाणी तीर्थानि बसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। जिसने हरि कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया वहां तक केवल गंगा स्नान करने का फल मिलेगा। कभी यहाँ पर पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है कथा रूपी गंगा में जो स्नान करते हैं उसकी हृदय पवित्र हो जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए आप लोग गंगा स्नान से भी समझ जाता फल आपको यहीं पर बैठ बैठे मिल गया, ठीक है ना। बोले श्री क्या है, गंगा देवी की जय, गंगा सागर की जय, कपिल भगवान की जय, और मकर संक्रांति की। हाँ, आज का दिन हम जगन्नाथपुरी में और एक चीज होता है, आज तो कुछ बनाए नहीं, कल आपको खिलाएंगे, ये लोग बने कुछ बनाए। तो आज है ना एक मकर चावल होता है हमारी, हम तो उड़ीसा के, वहाँ पर आज का दिन जो जो नया जो धान लगता है ना, धान हमारे उस तरफ तो गेहूँ नहीं ज्यादा धान होता है, धान जब नया धान जब निकलता है नए नए नवान्न कहते हैं, क्योंकि किसकी कृपा से सब कुछ कौन दे रहे हैं, भगवान जब जगत को सृष्टि की, ये जगत को सृष्टि किसने किया, ठाकुर ने किया है। इसलिए जीव कैसे जगत में लालन पालन हो, गेहूँ चावल फल मूट सब ठाकुर की कृपा से सब मिलता है। इसलिए हमारे देश का नियम है जब नया जो चावल है, जब नया चावल होता है उसको लेकर के जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं, और उसमें दूध चीनी और उसमें और खई और उसका अंदर में काजू किशमिश और उसमें फल मूल डाल करके ना उसमें एक नवान्न बनाते हैं, किशमिश सब डालकर नवान्न बनाते हैं, वो जगन्नाथ को भोग लगाते हैं, वो चीज भोग लगता है और भोग लगा करके हम बड़े दूर से लेकर के आते थे, अलो हम लोग खाते थे यार है खाते थे। इसलिए हमारे चावल तो भिगा कर रखा, लेकिन मैंने कहा भैया इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा बनाना, जगन्नाथ जी कैसे खाते हैं इनको भी थोड़ा खिलाना, जगन्नाथ जी कैसे खाते हैं कल बनाने की कोशिश करें, ठीक है, कल आपको देंगे। और आज हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी आपके लिए आज खिचड़ी, आप लोगों ने खिचड़ी का चावल लाए हो, इसलिए आज आप लोगों के लिए हमारे श्रीकांत प्रभु जी ने आज बड़े कष्ट से आप लोग खिचड़ी बनाए, आप थोड़ा फलसी खिचड़ी कोई चाटनी बनाए हमने, लेकिन वो अपना तरीका से एक चाटनी बनाए, हाँ थोड़ी थोड़ी चाटनी और खीर, अब ये प्रसाद बाग ले जाना, ठीक है, तुम बोले जाए तुम लोग कल बोलना, ठीक है, आज दीपिता मैंने कल बोल दिया, तुम लोग कल सब बोलना, ठीक है, सब कल रेडियो पर करना पसंद करे ना। हाँ हरे कृष्ण, अरे आप लोग थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा कर देना, ठीक है, जाओ बाल्टी में खिचड़ी को ले जाओ, ठाकुर जाओ बाल्टी में लेकर के आ जाओ। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare 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 Hare
Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare